सलीम बता रहा था तुम सड़क पर पड़े मिले, कुछ एक्सीडेंट हो गया था क्या? हाँ एक्सीडेंट तो हुआ, बस सड़क पे नहीं। अच्छा सड़क पर नहीं तो फिर कहाँ हुआ? आपके कमरे में। हमारे कमरे में? हाँ। कैसे? वो हम शन्नो बेगम के दिए हुए पेपर ढूंढ रहे थे जो उन्होंने हमीदा आंटी के तलाक के लिए बनवाए थे, फिर किसी ने हमारे सर पर वार किया और जब हमें होश आया तो हम सड़क पर थे। तो तुम्हारा कनेक्शन लग गया इसलिए बच गए। अगली बार ऐसा किया तो तुम बचोगे नहीं, और ना तुम्हारी मैना, वो जारा है ना। क्या बात है, अपना गुनाह खुद ही कबूल कर रहे हो। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम जारा का खून कर इल्जाम सलीम पर डाल देंगे और उसको जेल हो जाएगी। तुम रह जाओगे अकेले, तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा ये तो तुम जानते ही हो। ठीक है भाई, हम सलीम भाई और जारा के लिए अपना मुंह बंद रखेंगे, लेकिन आपको भी ना एक भी पैसे का घपला नहीं करने देंगे। ये ख्याल तेरा बेख्याल मुझे क्यों करे, हम क्या करें, किसको बताएं कि हम मां बनने वाले हैं? एक न एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। चांद हथेली से ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता।